फ्रेंड्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं हैदराबादी बघारे बैंगन, जिसके अज्जा हैं। हमने लिए बैंगन आधा किलो हरे वाले, आप चाहें तो सफ़ेद वाले भी ले सकते हैं। हाफ कप मूंगफली लिए, एक कप हमने पिसावा खोपरा लिया है और एक कप हमने तिल लिए हैं। एक चम्मच जीरा लिया है सफ़ेद वाला, एक चम्मच हमने कलौंजी लिए और हाफ टी स्पून मेथी दाना लिया है। एक चम्मच हमने हल्दी लिए, एक चम्मच लाल मिर्च और एक चम्मच हमने इसमें धनिया पाउडर लिया है, दो चम्मच हमने इसमें नमक लिया है। इसको दो हिस्सों में करेंगे हम। एक कप हमने इसमें इमली का पेस्ट लिया है। दो प्याज लिए हैं जिसको हमने स्लाइस में काट लिया है। चार से पाँच हमने इसमें मोटी हरी मिर्चें ली हैं और 10 से 12 हमने इसमें कड़ी पत्ते लिए हैं। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें हम मूंगफली को रोस्ट कर लेंगे। मूंगफली में थोड़ी खुशबू आने लगे तो हम इसको निकाल लेंगे। अब हम इसी पैन में तेल डालेंगे, इसको भी हल्की आंच पर रोस्ट करेंगे और इसमें खुशबू आने लगे तो इसको भी निकाल लेंगे। और इसी पैन में हम खोपरे को भी रोस्ट कर लेंगे। और इसी तरह से प्याज को भी रोस्ट कर लेंगे। और ये प्याज हमारी रोस्ट हो गई है, इसको भी निकाल लेंगे। सारे मसाले हमने रोस्ट कर लिए हैं, अब हम इसको थोड़ा ठंडा कर लेंगे। अब हम बैंगन को अच्छी तरह से धोकर इसमें से चार कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद आप चेक कर लीजिएगा कि अंदर से ख़राब तो नहीं है। और इसमें नमक लगाएंगे, चारों तरफ से नमक लगा के रख देंगे ताकि ये अंदर तक इसका नमक चला जाए, फीके ना निकलें। और इसी तरह से सारे बैंगन में कट लगा के नमक लगा के रख देंगे। अब हम सारे मसालों को ग्राइंडर में पीस लेंगे। थोड़ा सा पानी डालकर इसमें ग्राइंडर कर लेंगे, फिर ये पेस्ट बन जाएगा। अब हम इसको बैंगन के अंदर भरेंगे मसाला। मसाला भरने के बाद इसको अच्छी तरह से बंद कर देंगे ताकि मसाला बाहर ना निकले। और सारे बैंगन इसी तरह से भर लेंगे मसाले से। अभी हमारा जो मसाला बच गया है, हम इसमें धनिया, हल्दी, मिर्चें, नमक सब शामिल कर देंगे। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें हम एक कप सरसों का तेल गरम कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें ज़ीरा डालेंगे, कलौंजी, कड़ी पत्ता डालेंगे और ये हमारा बघार का सामान उसको फ्राई करेंगे।
दो चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट हम इसके डालकर भूनेंगे। अदरक लहसुन भूनने के बाद हम इसमें मसाला शामिल कर देंगे और इसको भूनेंगे। एक कप पानी डालेंगे और इसको मसाले को अच्छे तरीके से पकाएंगे। ये हमारा मसाला भुन गया है। इसके बाद हम इसमें बैंगन शामिल करेंगे। ये सारे बैंगन डालने के बाद हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे और इसको चम्मच से नहीं चलाना है, दोनों तरफ से पकड़ के और इसको हिलाना है। 20 मिनट हम इसको ऐसे ही पकने देंगे, ये अपने पानी में ही गल जाएंगे। 20 मिनट के बाद ये हमारे बैंगन गल गए हैं। अब हम इसमें इमली का पेस्ट शामिल करेंगे। अगर आप ज़्यादा खट्टा खाते हैं तो ज़्यादा डाल दिएगा, वरना हमने दरमियाना डाला है। अब हम इसको 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। हमारी रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे भगारे बैंगन तैयार हैं।